गैर थे। 44% जो लोग हैं वो पहले रिजेक्शन में वो डिसमूड हो जाते और घर में जाके बैठ जाते कि आप किसी पास नहीं जाते हो, लेते क्या माल, बोलता नो, बोले अरे यार लोग नो बोलते, घर जाके सो जाओ। कुछ लोग बोलते नहीं, नो बोला तो हरकत नहीं, अपन फिर से काम करें, फिर वो फिर जाते माल बेचने के लिए सेल्समैन। तो दूसरे जो है 22% है गिव अप ऑन द सेकंड रिजेक्शन। फिर कुछ लोग सेकंड रिजेक्शन के बाद में बोलते नहीं नहीं अपने को सिखाया है माल कैसे बेचना, अपन तो जाएंगे ही जाएंगे, और फिर ड्रॉप बड़ा दिल करके वो निकलते घर से। तो 16% जो लोग है वो तीसरा रिजेक्शन यदि आ गया तो घर जाके सो जाते, और 10% लोग जो है वो चौथे यदि कस्टमर ने ना बोला तो वो घर जाके सो जाते। हो गए 92। 8% जो है वो फौलादी दिल के रहते, बड़ा दिल, बोलते नहीं नहीं कितना भी नहीं बोला तो अपन कंटिन्यू करेंगे, अपन तो माल बेचेंगे बेचेंगे, कुछ नहीं होता है, और वाट टिकते। टिकते क्यों नहीं सेल्स में लोग, कारण वही है क्योंकि इतने रिजेक्शन कोई टिकता नहीं है। तो 8% सेल्समैन डू नॉट क्विट इन स्पाइट ऑफ रिजेक्शंस। और दूसरा है 73% कस्टमर्स, जो आपने बोला 73% कस्टमर्स विल नेवर से यस टू यू टिल दे गिवन 4 ऑब्जेक्शंस। बोला ना 5-6 ऑब्जेक्शन दिए वो लेडी ने, फिर आपका वो फ्रिज ये कंपनी होना ही नहीं, फिर ये कंपनी का नहीं होना मेरे को, फिर बोलते नहीं नहीं कॉम्प्रेसर इसका बराबर नहीं है, फिर आपकी सर्विस ही बराबर नहीं है, फिर आपका रंग बराबर नहीं है, ऐसे कम से कम तो 73% कस्टमर्स विल गिव ऑन एन एवरेज 4 ऑब्जेक्शंस। तो आपने जो बोला कि नॉलेज अच्छा होना चाहिए वो इसलिए है कि लोग ऑब्जेक्शन फेंकेंगे, तो जो ऑब्जेक्शन आएगा उसका आपने को जवाब देना पड़ेगा। इट इज कॉल्ड एस 8/73 फॉर्मूला।